अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। और आज मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था। उसकी वजह ये थी कि आज टीवी आना था तो पता चला आज नहीं आ रहा। और सुबह आपको पता है कि पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच है और मैं बहुत परेशान थी इस वजह से, क्योंकि फ़ोन पर लाइव स्ट्रीमिंग देखना कोई बहुत आसान काम नहीं है। बार बार वो कभी वो चैनल बदल जाता है, कभी वो लाइव स्ट्रीमिंग ख़त्म हो जाती है, दोबारा से ढूंढना पड़ता है, एक फ़्लो होता है। और फ़ोन में तो मैच देखने का तो कोई मज़ा तो कोई है ही नहीं। इस वक्त शाम के 6-7 बज रहे हैं और मैं सोच रही हूँ आज फिर से दाल चावल बनाऊँ और दाल चावल की रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँ। तो आगे आप रेसिपी देखें। तो सबसे पहले मैंने ये ऑरेंज वाली दाल ऐड की। अब इसका मुझे नाम नहीं पता इसलिए मैं इसको ऑरेंज दाल कह रही हूँ। और ये सेकंड दाल है वो है येलो कलर की, इसका नाम भी मुझे पता नहीं है लेकिन मैंने वो इसे थोड़ी सी ज़्यादा डाली। तो जी इसके बाद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी, एक और बाउल डालूँगी इसमें पानी का, वो मैंने डाल दिया था। और ये इसके बाद टमाटर कट करके डाला था, लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर यानी कि सूखा धनिया ऐड किया था। देन मैंने इसमें 1 टेबल स्पून मैंने रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च का ऐड किया था। इसमें ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता है तो काफ़ी है इसमें। और 1 चम्मच मैंने इसमें डाला है नमक का और थोड़ी सी मैंने इसमें हल्दी यानी कि टर्मरिक ऐड की थी। तो जी यहाँ पर दाल गल चुकी थी तो मैंने इसमें हरी मिर्च ऐड की और ये मैं देख रही थी साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक ऐड किया था थोड़ा सा उसका पेस्ट बनाकर यानी कि अदरक, यहाँ पे आपने थोड़ा सा अदरक ऐड करना है। यहाँ पर हो रहे थे चावल बॉईल और वो मैं ज़्यादा नहीं दिखा सकी। यहाँ पर मैंने फिर थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाला क्योंकि इतना ही था अभी, इतना ही अवेलेबल था। तो मैंने जितना भी था थोड़ा सा ज़रूर ऐड किया क्योंकि मुझे हरा धनिया बहुत अच्छा लगता है कौरमे में, ख़ास तौर में दाल में। और मैंने उसमें हल्का सा गरम मसाला भी ऐड किया था। और यहाँ पे लगने लगा था जी तड़का। तड़का मैंने लगाया था वहाँ पे, मैंने रिकॉर्ड नहीं की थी वीडियो, और आपको पता है एक हाथ से तड़का लगाना और एक हाथ से वीडियो बनाना व्लॉग बनाना कितना मुश्किल काम है। तो इस वजह से मैंने फ़ोन रख दिया था। और जी यहाँ पर दाल चावल बिल्कुल तैयार थे, बहुत मज़े के बने। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और नेक्स्ट रेसिपी भी आपने बतानी है कि आप नेक्स्ट क्या देखना चाहते हैं। तो जी खाना वगैरह बनाने के बाद मैंने सोचा थोड़ी सी स्किन केयर भी की जाए। तो मैंने स्टार्ट किया जी, सबसे पहले मैंने क्लेंजिंग की और साथ मैंने एक बाउल में ठंडा चिल्ड पानी जिसमें थोड़ी सी आइस भी ऐड की थी तो वो मैंने डाल कर रख दी थी। तो पहले मैंने अच्छे से क्लेंजिंग की थी, उसके बाद मैंने ठंडे पानी में अपना फेस ऐड किया था। यकीन जानिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट हैक आई हैव एवर ट्राइड, ये मस्ट ट्राई है। और इसने मेरी स्किन इतनी हाइड्रेट हो गई थी ना, तो आपने कभी मेकअप करना हो ना कहीं जाने से पहले आप थोड़े 5-10 मिनट पहले ये आइस वाटर हैक आप ज़रूर ट्राई करें। इससे आपकी स्किन बहुत हाइड्रेट होगी और आप जब आप स्किन पर आप अपना मेकअप या कोई बेस लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से वो स्किन पर आपकी बैठ जाएगी। आइस वाटर हैक करने के बाद मुझे चाय की तलब हो चुकी थी तो मैंने यहाँ पे चाय बनाई। कोई ब्लॉग कर सकूँगी किस बात का मुझे ज़्यादा दुख है क्योंकि मैंने बहुत अभी बहुत परेशानी बहुत अभी मैंने परेशानी वाला चेहरा बनाया हुआ था कि इवन ये भी सोचने लगी थी कि अब मैंने व्लॉग नहीं बनाना, अब मैंने व्लॉग भी नहीं करना, मैंने कुछ भी नहीं करना, मेरा मैच ख़राब हो चुका है। मेरा वर्ल्ड कप का वो सारा एक प्रोसेस होता था देखना इंजॉय करना वो सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकती, अब मैं मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो ये सोच सोच कर मुझे अजीब से एक डिप्रेशन हो रहा था और पता नहीं मुझे इतना क्यों ऐसे हो रहा था। तो सिचुएशन काफ़ी टॉक्सिक बन गई थी मेरे लिए और अभी भी परेशान हूँ, अभी भी दिल बुरा हो रहा है कि क्या क्या हो क्या गया है मेरे साथ, इतना बड़ा मजाक बस
बहुत गुस्सा है आज, बहुत मेरा दिल बोल रहा था, बस रोने वाली शक्ल बन गई थी मेरी। गुस्सा चढ़ा दिया तुम लोगों ने मुझे आज क्या तुम्हें। अगर मेरे हाथ में एक शुक्र है फोन नहीं था, फोन मैं वैसे भी नहीं फेंकूंगी जितना मर्जी गुस्सा कर लूं। तो कुछ ऐसा मेरे हाथ नहीं आया, वरना मैंने कोई तोड़ फोड़ भी कर देनी थी। मेरा गुस्सा बहुत बुरा है, और जब मैं बहुत परेशान हूँ, जब गुस्सा जब हद से गुजर जाता है ना, उसका फिर कोई सोल्यूशन नहीं है। कल तो अब वो मुझसे बात करें तो मैं उनकी बात ही नहीं सुन रही। कॉल करें मैं कॉल नहीं उनकी अटेंड कर रही। आपने मुझे कहा था कि आज मिल जाएगा, तो क्यों नहीं मिला? तो बस इसी वजह से मैं उनसे बात भी नहीं कर रही। तो जी ये था पूरा आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, और कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।